लिया जाता है। देखिए हमेशा व्रत का पालन करते वक्त कुछ नियम होते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, व्रत का पालन आप अपने सात पीढ़ी मायके की तार सकते हो निर्जला एकादशी का व्रत करके, और सात पीढ़ी ससुराल पक्ष की तार सकते हो। आज मैं पढ़ रही थी पद्म पुराण, तो पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आई। पहले तो देखो इतने सारे लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, निर्जला एकादशी पे मैं आप लोगों के लिए लाइव आई हूँ ताकि आपका हौसला बढ़े कि मैंने कल भी व्रत रखा और मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, अर्थात मेरी बच्ची मेरा दूध पीती है, और मैंने आज भी व्रत रखा ताकि आपको हौसला मिल सके कि हम भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आपका मेरा यूट्यूब चैनल हम सब एक परिवार तो है, किसकी संतान है, हम श्री हरि विष्णु की संतान है। यूट्यूब चैनल का नाम मैंने अपने नाम से नहीं रखा, मैं रख सकती थी अपने नाम से आशु चौहान या फिर अपनी बेटी के नाम से रख सकती थी सिया चौहान, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल का जो नाम रखा वो नाम रखा हरि बोल के नाम से, क्योंकि आप और मैं हेलो हाय छोड़िए हरि बोल बोलिए श्री हरि विष्णु की संतान है, इसलिए फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब मैं बताती हूँ, जब आज मैं पद्म पुराण पढ़ रही थी ना, बहुत सुंदर कथा मुझे पद्म पुराण में पढ़ी, उसमें लिखा था कि निर्जला एकादशी पे जो हमारे साधु संतों की आत्मा होती है, जो हमारे साधु संत स्वर्ग सिधार गए होते हैं, जो हमारे साधु संतों की आत्मा होती है वैकुंठ, वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट हो जाती है। जैसे कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तब उनकी जो किरणें हैं नेगेटिविटी है वो पृथ्वी के बहुत निकट हो जाती है, तो बहुत सारे साधन करने को बोलते हैं। ऐसे ही जब निर्जला एकादशी होती है तो जो आत्मा होती है साधु संतों की वो पृथ्वी के बहुत निकट हो जाती है, तो इस समय पे जितना ज़्यादा जप किया जाएगा, क्योंकि केवल जप करने का अधिकार एक पृथ्वी लोक वालों को है, केवल भगवान के गुणगान करने का अधिकार धरती लोक वालों को है, तो इस टाइम पे जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा तप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा जप तप करना चाहिए। जप का अर्थ क्या होता है, जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशता, जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर दे वही जप होता है, तो इस समय पे जितना ज़्यादा आप लोग जप कर सकते हैं वो अच्छा। देखिए निर्जला एकादशी क्या है, कोई भी एकादशी जो होती है उसमें सोने की मैं मना ही होती हूँ, किसी भी एकादशी पे हमें सोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सो रहे हो महाराज ठीक है ना, आप रात्रि को नींद आ गई, भैया होता है, कलयुग है, कलयुग में इंसान का खाना पीना भी इतना अच्छा नहीं है, रात्रि में नींद आ गई तो अपनी अखंड ज्योत एक जलाओ। किस किसने अखंड ज्योत जलाई है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताओ कि किस किसने अखंड ज्योत जलाई है, मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगी, कमेंट्स भी करते जाओ, और साथ ही के साथ मुझे जरूर बताओ कि किस किसने अखंड ज्योत जलाई है। अगर अखंड ज्योत नहीं जलाई अभी तक तो शाम की पूजा के वक्त आप लोग अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य अवश्य जलाइए। फोन ले लेती हूँ दूसरा, ताकि आपके कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ पाऊँ। जिसने अभी तक अखंड ज्योत नहीं जलाई है वो अभी भी अखंड ज्योत जलाइए। नींद बहुत लोगों को आ रही है, बहुत मैसेज आ रहे हैं कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, एक्चुअली ये मेरा नंबर है 4292025265, ये मैंने कुंडली देखने के लिए डाला हुआ ठीक है ना, लेकिन इसमें लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे उनके पर्सनल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए अगर अभी तक आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई तो कृपया कर अखंड ज्योत शाम की पूजा के वक्त जला दीजिए, क्योंकि रात को अगर आप सो गए तो आपका साक्षी कोई तो होना चाहिए ना, जगने वाला कोई ना कोई आपका साक्षी होना चाहिए। निर्जला एकादशी की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैंने बताया कि व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं, किसी किसी को पीरियड्स आ गए इस टाइम पे, तो देखिए जिनको पीरियड्स आ गए उनका व्रत यहीं तक था, अर्थात अब आप पूजा नहीं कर सकते, व्रत को कंटिन्यू कीजिए लेकिन पूजा अर्चना वंदना नहीं कीजिए। तो चलिए आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं, भगवान श्री हरि विष्णु आपका भी बहुत बल दे जैसे मुझे दे रहे हैं, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही के साथ आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4292025265, दोबारा से मैं मेंशन भी कर दूंगी 4292025265 ठीक है ना, लेकिन इसका थोड़ा सा चार्ज है, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके चार्ज हैं ठीक है ना, क्योंकि बड़े सारे लोग कह रहे हैं हमें कुंडली दिखानी है, लेकिन पैसे जब मैं उनको बताती हूँ कि भैया चार्ज है तो आपने ये कहीं नहीं बोला, तो मैं खुल के बोल रही हूँ कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, इसके आपको चार्ज देने पड़ेंगे ठीक है ना। तो आप कुंडली दिखाकर ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा, कौन सी साइड लेगा, आपका बच्चा बिजनेस करेगा या जॉब करेगा ठीक है ना, आपके बच्चे को क्या करवाना है, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आपके हस्बैंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, उनकी शादी होगी, यानी ये सारी बातें आप लोग कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं, अपना लक्की नंबर, लक्की कलर और भी बहुत सारी बातें हैं वो सब जान सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए।